Yeah, I'll be very honest with you. Since school, I've always been a fan of Aditya, and I remember going to his house. वो छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रे गाना आया था इसका. I used to go to his house and always request यार जरा गाना गा के मुझे जरा गाना गा के सुनाना. And Aditya for me and of course for the rest of the world is extremely talented. And as he said कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज उसकी success party है और slowly and steadily ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, जो आई थिंक इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट टुडे. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस टुडे. ऑलवेज विल बी. मेरे दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड हमारे दोस्त हैं एक्चुअली, केतुल पारेख और उनकी कंपनी है रिच बॉयज. और मुझे जब भी कुछ करना होता है मैं सिर्फ सबसे पहले अपने दोस्तों को याद करता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव रियल फ्रेंड्स. यू नो ज़िंदगी में बहुत दोस्त मिलते हैं, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, बट गिन के जो आप हाथ में गिन सकते हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपके लिए हमेशा दे विल बी देयर फॉर यू. सो रिच बॉयज़ इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. और हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं तो मैंने बोला कि सबसे पहले अपने जो कोर फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करूं. और उसके बाद जब एल्बम रिलीज़ होगा तब तो हम दुनिया को बुलाएंगे. बट यू नो इट्स पर्सनल, माई म्यूज़िक इज़ पर्सनल फॉर मी. मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस हैप्पीनेस को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करूं और वो आएं और वो मुझे अपनी ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं. यू नो दुनिया हम हमेशा कुछ भी करते हैं बोलते हैं, अरे यार बहुत अच्छा किया, अरे नहीं आप टीवी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप गाना बहुत अच्छा गा रहे हो. बट ये लोग हैं जो बोलते हैं, अरे यार ये जगह पे थोड़ा अगर आप ये करो, यहाँ पे थोड़ा बोर हो रहा है. सो दे गिव मी रियल क्रिटिसिज्म, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दी ऑडियंस. वो तो तब होता है जब गाना रिलीज़ हो जाता है या वीडियो रिलीज़ हो जाता है. बट उससे पहले जो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है कि यार ये बदल दो, या शायद अध्ययन ने बोला कि यार कोई नया एडिटर ट्राई करो या कोई ग्रेडिंग हो. सो दीज आर द पीपल दैट हेल्प मी मेक द आर्ट दैट आई एम मेकिंग. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, वेरी ग्रेटफुल टू देम. पता है मैं बहुत फिल्मी साउंड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मुझे बहुत 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 मदद मिलती है इनसे, मॉरल सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. यू नो बाकी सब तो क्या है, हम अब बड़े हो गए, अब तो दुनिया के साथ लड़ रहे हैं. या लड़ रहे हैं, बट इट्स गुड टू नो दैट आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड्स विद जी. बिल्कुल, यारा इज़ इनफैक्ट ये मेरा पिछले 1.5 सालों में ये मेरा 7वां म्यूज़िक वीडियो है. और जब मैंने शुरुआत की थी इस एल्बम की, मेरे एल्बम का नाम है मोहब्बत. एंड अब तक इस एल्बम से 5 म्यूज़िक वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं. तू ही प्यार है, तेरा इश्क जी पाऊँ, बहका बहका, मोहब्बत और अब यारा. और जो फाइनल गाना है, आई थिंक वी आर रिलीजिंग इट इन फेब्रुअरी और मार्च, जिसके साथ मैं एल्बम पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करूँगा. इट्स माई फर्स्ट एल्बम ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग्स और सारे के सारे इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स हैं. और बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है, बहुत कोई स्टार्स नहीं है इसमें. मेरे बैंड के मेंबर्स ने आधे गाने कंपोज किए हैं, आधे मैंने किए हैं. और मेरे जो बहुत बहुत क्लोज मित्र हैं, मनोज यादव लिरिसिस्ट और प्रशांत इंगोले, जो दोनों वेल नोन बॉलीवुड लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने मेरे साथ गाने लिखे हैं और कुछ मैंने भी लिखे हैं. एंड इट्स एन एल्बम, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एल्बम, जिसमें सारे के सारे गाने लव सॉन्ग्स हैं. एंड दे टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव, क्योंकि प्यार के अलग अलग स्टेजेस होते हैं. तो उन स्टेजेस को हमने शब्दों में और कॉम्पोजिशंस में डिफाइन करके लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. अभी मेरे लिए काम ज़्यादा मैटर करता है, पार्टीज और बर्थडे आते रहते हैं, लेकिन बहुत किया है भाई हमने, बहुत किया है. हाँ, बचपन में. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू वर्क, बट यस सिंपल है बिकॉज काम बहुत एक्साइटिंग होने वाला है इस साल. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू अनाउंस दैट दिस ईयर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू. राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करें ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, ओ देखो देखो देखो, ततर 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 ततर. खाना बदोश दोनों, खुद में बेहोश दोनों, पंछी दो चले हम कहाँ, बंदिशें तोड़ सारी, फिक्रे वो छोड़ सारी, अपना खुला आसमां, साथ में जो तू है यारा, दोनों बेफिक्रे खुशनुमा तू है, मैं हूँ और ये लम्हा खुशनुमा तू है.
मैं हूँ और ये लम्हा। डैड बाजू वाले कमरे में ही रहते हैं तो हमेशा हेल्प रहती है पिताजी माताजी की, और इनफैक्ट मैं ये कंप्लेन करना चाहूँगा, पापा मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं नहीं आप सही कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बोलता अरे पापा आपने इतने साल काम किया है। बट टच वुड ही इज़ वेरी वेरी प्राउड की वजह से वी हैव, आई मीन पहले भी मैंने बोला था कि इतने सारे टैलेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आके यू नो द एंटरटेनिंग पीपल, यूथ को एंटरटेन कर रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ जॉइंट, पीपल आर एंजॉयिंग इट। एंड अड्डा का फुल मीनिंग जो विच आई स्टार्टेड 6 months बैक फ्रॉम नाउ, पीपल आर रियली एंजॉयिंग दैट अड्डा फील। आज आदित इज हैविंग हिज परफॉर्मेंस विद दिस अनप्लग्ड इवेंट एंड देयर सो मेनी, आई मीन इट्स बीन यू नो राइट फ्रॉम सुवेश टू अमित टू लॉट मेनी अदर। सो यस पीपल डू लुक फॉरवर्ड टू एंटरटेन देमसेल्फ विद यू नो दीज टैलेंट्स एंड दे आर हैप्पी एंड दे एंजॉयिंग एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी इज गोइंग पैक हाउस यू नो ब्रिंगिंग इन सच काइंड ऑफ टैलेंट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। नॉमिनेशन इज वन गुड पार्ट बिकॉज पीपल हैव कंसिडर्ड फूड विच इज़ वेरी गुड, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इट। And the success of which has led it to open our Adda in Pune, and we are opening another Adda at your linking road, which is Bandra and Khar, very soon. So yes, food has played a relevant role here. With Adda's success, yes, we want to cover up lot many cities, lot many states with Adda. New planning is to launch Adda in New Delhi, in Surat and Bangalore. So, ये planning है अभी हमारे our Adda को लेके जाने की. And then the final news is yes. This year in March or April, we'll be launching Adda in Dubai as well. Thank you.